हाँ देखिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, टू डिजिट नंबर है जिनका डिजिट का सम कितना है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ये अभी हम पहले नंबर्स मान लेते हैं, उसके बाद ये हमें समझ में आ जाएगा कि ये तो कंडीशन है, इसकी कंडीशन कैसे अप्लाई होगी अभी समझ में आ जाएगी। पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द नंबर। ये जो टू डिजिट नंबर है उसमें टू डिजिट होंगे। टू डिजिट नंबर हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ से अगर हम देखें वन से लेके 9 तक, 1 2 3 इस तरह, तो ये तो 1 डिजिट नंबर है। और 10 से 99 तक ये है टू डिजिट नंबर, क्योंकि देखिए इसमें टू डिजिट है, 1s 10s, 2 डिजिट है, 1 2 1 2 इस तरह। तो टू डिजिट नंबर 10 से लेके 99 तक है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे टू डिजिट हमें ये नंबर फाइंड करने हैं, नंबर हमें पता नहीं है, तो हम एक्स और वाई के फॉर्म में मान लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, अब टू डिजिट नंबर है तो 1s और 10s होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s डिजिट इक्वल टू और 10s डिजिट इक्वल टू। देखिए, अगर कोई भी नंबर है तो देखिए यहाँ 1s ये 10s, अब तो यहाँ पे 10s डिजिट नंबर जो है, 1s डिजिट नंबर पहले आएगा, तो 1s डिजिट नंबर में हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे यहाँ पे। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स वाई, तो 1s 10s, तो 1s डिजिट वाई मानेंगे, 10s डिजिट एक्स मानेंगे, ऐसे मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1s डिजिट क्या मानेंगे, 1s डिजिट वाई मानेंगे, और 10s डिजिट क्या मानेंगे, एक्स। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो 1s 10s, तो एक्स को 10s डिजिट मानना ठीक रहेगा, हमें आसानी रहेगी। ठीक है, अन्यथा कोई एक्स वाई में से कुछ भी मान ले तो अभी आंसर तो सही आ जाएगा कंडीशन के हिसाब से, लेकिन इस तरह ठीक रहेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे टू डिजिट नंबर, टू इसका फॉर्मूला होता है। टू डिजिट नंबर क्या होता है, देखिए सबसे छोटा नंबर होता है 10, तो 10 के साथ हम लेके चलेंगे, 10 into 10th डिजिट, 10 into 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट, 10 into 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब क्या लिखेंगे हम, देखिए 10 into 10th डिजिट कितना है, देखो 10th डिजिट एक्स है, तो 10x हो गया, प्लस 1st डिजिट कितना, वाई है। आ रही बात समझ में, अब इसको आगे सॉल्व और करते हैं हम। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू डिजिट नंबर तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या है, देखिए द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, पहली कंडीशन। दोनों डिजिट का सम 9 है, तो डिजिट क्या है, एक्स और वाई है, तो हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। कंडीशन सेकंड की हम बात करें तो अब क्या है, कंडीशन सेकंड यहाँ से ऑल्सो, अब यहाँ समझना है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये नंबर टू डिजिट नंबर, इसका 9 टाइम, यानी कि 10x प्लस वाई इसका कितना, 9 टाइम। अब देखना क्या लिखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का, ये जो नंबर टू डिजिट नंबर, इसका 9 टाइम्स, 9 का इंटू कर दिया, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इसकी डिजिट को रिवर्स अगर हम कर दें, रिवर्स कैसे करेंगे, 10y प्लस x। देखिए x को, अब देखिए x को उधर लिख दिया, y को इधर, नंबर ये रिवर्स कर दिया हमने, तो ये इसका कितना है, फिर से देखें, देखो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो ये मैंने कर ही दिया, इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, और इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, 10x प्लस वाई को 10y प्लस x कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस, तो 9 का इसमें इंटू कर दो, 9 10 90x प्लस 9 का y में इंटू 9y इज इक्वल टू,
टू का टेन में इंटू टू टेन या 20y और प्लस टू का x में इंटू टू एक्स, इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, तो 90x प्लस 9y ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस 20y माइनस 2x, इसका टू उधर जीरो बचेगा। देखिए 90x में से 2x माइनस कर देंगे तो 88x बचेगा, और 20y माइनस के ये देखिए प्लस के 9 छोटे हैं तो माइनस का ही सिंबल आएगा, और 20 में से 9 माइनस कर देंगे तो 11y आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी का हम यहाँ लिख देते हैं। अब तो देखिए यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 11 8 जे 88 होता है तो 11 8 जे 88 8x, फिर माइनस माइनस, अब यहाँ पे क्या है 11 तो 11 बन जाए 11, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वाई लिख देंगे अकेला, इजक्ल टू ज़ीरो, इजक्ल टू ज़ीरो। अब 11 का 0 में डिवाइड दे दो, 8x माइनस वाई इजक्ल टू 0 अपॉन 11, तो 8x माइनस वाई इजक्ल टू 11, 0 इधर 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इजक्ल टू 9 और सेकंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए प्लस माइनस के वाई कैंसिल हो रहा है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, वाई एडिंग। हाँ अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, जब हम लिखते हैं बाई सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन बाई एडिंग लिखते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्लस माइनस के वाई कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे हम। अब यहाँ पे जो बचा इसको देखो 8x और 1x तो 9x हो गए, और यहाँ पे 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा, तो x इजकल टू क्या आएगा 9, और इस 9 का इसमें डिवाइड दे तो 9 बन जाए 9, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है x प्लस वाई इजकल टू 9, x प्लस वाई इजकल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी 1, यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस वाई इजकल टू 9, तो 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, वाई इजकल टू 9 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 1 है साइन चेंज हो जाएगा, वाई इजकल टू 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, तो ये आ गया। अब 2d8 नंबर क्या माना था हमने, 10x प्लस वाई माना था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाकी का बचा हुआ, तो लिखेंगे देन, तब 2-digit नंबर इजकल टू, 2d8 नंबर क्या माना था हमने, 10x प्लस वाई माना था। देखिए 10x 2d8 नंबर क्या था, 10x प्लस वाई, तो ये x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो देखिए 10 x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 1 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 8, तो इसको और सॉल्व करेंगे, 10 वन जै 10 प्लस 8, 10 और 8 कितना हो गया 18, तो यही आपका आंसर आएगा 18, 2d8 नंबर 18 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, अगर इसको सही से एक बार देख लो तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है।